जनवरी को केंद्र सरकार और किसान यूनियनों के प्रतिनिधियों के बीच हो रही वार्ता भी बेनतीजा रहने वाली है, क्योंकि कुछ किसान यूनियनें 3 कानूनों को रद्द करने पर अड़ी हुई हैं, जबकि केंद्र सरकार अपने कानूनों को किसानों के लिए बता रही है। अनेक किसान गत 50 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर जाम कर बैठे हुए हैं और अब आगामी 26 जनवरी को दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर मार्च निकालने की घोषणा की गई है। चूंकि पुलिस ने ट्रैक्टर मार्च की इजाजत नहीं दी है, इसलिए ट्रैक्टरों को जबरन दिल्ली में प्रवेश कराया जाएगा। ऐसे में दिल्ली पुलिस और ट्रैक्टर चालक आमने सामने होंगे। इस स्थिति को लेकर सरकार पहले ही चिंता जता चुकी है। इस बीच 15 जनवरी को आर्मी डे पर आर्मी चीफ MN नरवणे ने दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल परिसर में जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि 400 आतंकी पाकिस्तान सीमा से भारत में घुसने की फिराक में हैं। इन आतंकियों का मकसद देश में अशांति फैलाना है। हालांकि हमारी सेना सीमा पर मुस्तैद है, लेकिन फिर भी देश के नागरिकों को सतर्क रहने की जरूरत है। इसी प्रकार 13 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से कहा है कि आतंकी दिल्ली में पंजाब के पठानकोट जैसा हमला कर सकते हैं। इसके लिए पाकिस्तान से प्रशिक्षित होकर 3 आतंकी कश्मीर में आ चुके हैं। ये आतंकी पाकिस्तान से जैश ए मोहम्मद से जुड़े बताए जा रहे हैं। जैश ए मोहम्मद संगठन अफगानिस्तान में आतंक का पर्याय बन चुका है। दिल्ली पुलिस को आशंका है कि हमले के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आतंकी हमले के इनपुट मिलने के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। एक और जब कानून व्यवस्था को लेकर दिल्ली की ऐसी स्थिति है, तब यह सवाल उठता है कि क्या 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने वाले लोग आतंकियों की इन साजिशों को समझेंगे? देश में खासकर राजधानी दिल्ली में अमन चैन बना रहे, यह जिम्मेदारी सबकी है। जब देश पर आतंकी हमला मंडरा रहा हो, तब सावधानी बरतने की स्थिति सबकी है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के समाप्त होने के बाद आतंकियों को कश्मीर घाटी में अब बड़ी आतंकी वारदात करने का मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में भारत विरोधी आतंकी संगठन नए तरीके इजाद कर रहे हैं। ऐसे तत्व भारत की राजनीति का भी फायदा उठा रहे हैं। आतंकियों को भी पता है कि हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं को घेर कर बैठे हैं। अब ट्रैक्टर मार्च की घोषणा भी कर दी गई है। भारत में अशांति फैलाने के लिए चीन और पाकिस्तान ने भी गठजोड़ कर लिया है। हालांकि ये दोनों देश सीमा पर भारत की सेना से मात खा चुके हैं, लेकिन भारत के आंतरिक माहौल का फायदा उठाना चाहते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।